अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मुझे जाज साहब से मिलना है। यहाँ तो कोई जाज साहब नहीं रहते। अरे अभी तो यहाँ से अंदर गए। लेकिन वो तो मेरे वालिद साहब थे। नहीं, इनकी बात कर रही हूँ मैं। जी यही तो मेरे वालिद साहब हैं। लेकिन इनका नाम इजाज तो नहीं है। इनका नाम मोहम्मद अकमल सिद्दीकी है और मैं इनका बेटा नायल सिद्दीकी हूँ। इनका कोई और बेटा भी है? नहीं, मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। प्लीज मुझे फिर भी मिलवा दो उनसे। जी मैं बुला के लाता हूँ। झूठ बोला है ना आप लोगों ने मुझसे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी आप लोगों की जो दानिश के साथ मिलकर आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला? आप लोगों को एहसास भी है कि मुझ पे क्या गुजर रही है, किस तकलीफ में हूं मैं? मुझे कोफ्त हो रही है अपने आप से, अपनी जिंदगी से। मेरा शौहर कौन है, क्या करता है, उसके वालिदैन कौन है, मुझे कुछ नहीं पता। या शायद वो एक धोखेबाज और झूठा इंसान है, उसके सिवा कुछ नहीं। नहीं बेटे, ऐसे मत कहो। दानिश जैसा फरिश्ता सिफ्त इंसान तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। फरिश्ता सिफ्त? खुदा के लिए फरिश्तों की तौहीन ना करें। या फिर आप उस पैसे को हलाल कर रही हैं जो झूठ बोलने के लिए दानिश ने आप दोनों को दिए? बस बेटे, इसके आगे कुछ मत। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं दानिश की इजाजत के बगैर तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। ये बात सच है कि हम दानिश के वालिदैन नहीं हैं, लेकिन हम उसे एक अरसे से जानते हैं। वो एक यतीम खाने में पला बड़ा लड़का है। उसके माँ बाप कौन हैं, किस खानदान से है, किस घराने से है, ये बात न वो जानता है ना हम। लेकिन एक बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक बेइंतहा मुखलिस और मोहब्बत करने वाला शख्स है। उसने बड़ी मेहनत से अपनी एक शनाख्त बनाई। आज जो कुछ भी है अपने बलबूते पर, मगर अफसोस ये दुनिया शजरा जाने बगैर किसी को मोहब्बत करने का हक भी नहीं देती। बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे मरियम, बेपनाह मोहब्बत। और उसे खौफ था कि अगर उसकी असलियत पता चल गई तुम्हें तो उसे छोड़ दोगी, इसीलिए उसने हमें बतौर वालिदैन तुमसे मिलवाया था। और झूठ और दानिश तो मुमकिन ही नहीं। तो आप लोग तो मुझे बता सकते थे ना मुझसे क्यों झूठ बोला। ठीक है पहले झूठ बोला, लेकिन आप लोगों को जाते हुए तो सच बता देना चाहिए था। लेकिन नहीं, दानिश के साथ मिलके आप लोग मुझसे झूठ पे झूठ बोलते रहे। क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था ना मरियम, उसे डर था तुम उसे छोड़ दोगी। मनुष्य कौन है कौन नहीं, वो हमारा बेटा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत ये है कि वो तुम्हारा शौहर, तुम्हारा हाल है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। बेटा तुम दानिश से लड़ लो, उस पर गुस्सा कर लो, उससे खफा हो, लेकिन खुदारा उसे छोड़ना मत। वो हीरा है, हीरा। और उसे हरगिज मत बताना कि तुम हम लोगों से मिली हो, कि तुम उसकी हकीकत जानती हो। बेटा वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरा यकीन करो बेटे, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने दानिश को सच बता दिया, आप दोनों की तस्वीर भी भेज दी। अरे ये क्या कर दिया बेटा तुमने, अब फौरन घर जाओ, खुदा के वास्ते घर जाओ, उसको संभालो।
वो कहीं जज्बात में आके कोई ऐसा कदम ना उठा ले कि खुद को नुकसान पहुंचा दे। प्लीज जाओ। हाँ बेटे, हमारी बात का यकीन करो, बस वो तुम्हारा शौहर है, यही हकीकत। आपकी बात का यकीन करो, जिस इंसान पे मैंने खुद से ज्यादा यकीन किया, जब वो मुझसे झूठ बोल सकता है तो अब मैं किसी की बात का यकीन नहीं कर सकती।